हेलो डियर स्मार्टियंस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, योर सीटी इज़ कमिंग। तो हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, ठीक है? अनसीन पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो जो हमारा शीर्षक है इस अपठित गद्यांश का, वो है बुद्धिमान बीरबल। बुद्धिमान बीरबल, बीरबल की तो कहानी आप सभी ने सुनी होगी। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर रह चुके हैं। बीरबल की कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो इस पैराग्राफ में भी एक छोटा सा पैराग्राफ है इस कहानी का, ठीक है? उसे हम पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक दिन एक अमीर व्यापारी बीरबल के पास आया। एक अमीर व्यापारी, अमीर मतलब रिच व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, वे बीरबल के पास आते हैं और बीरबल से कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे घर में 7 नौकर हैं। कितने नौकर हैं? 7। उनमें से एक नौकर मेरा कीमती सामान, कुछ उनका स्पेशल था, कुछ कुछ कीमती था जो उन्होंने किसी नौकर ने चुरा लिया है। उन 7 नौकरों में से अमीर व्यापारी का कुछ कीमती सामान चुरा लिया है। तभी बीरबल जो है उन व्यापारी के घर जाते हैं और नौकरों को कहते हैं, एक कमरे में बुलाने को कहते हैं। सारे नौकर एक कमरे में आते हैं। तभी बीरबल उन्हें एक उन सभी नौकरों को क्या देते हैं, एक एक छड़ी उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये सारी छड़ियां जो हैं जादू की हैं, जादुई छड़ियां हैं। मीन्स इन छड़ियों से जादू से कुछ हो सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जादू छड़ियां हैं और रात भर में जो है ये छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी उस चोर की जिसने कुछ कीमती सामान चुराया है। तो वह छड़ियाँ उस टाइम जो है एक समान दिखती हैं। सारी छड़ियाँ जो कि लंबाई कैसी होती है, एक समान होती है। और बीरबल कहते हैं कि इस छड़ी इन सारी छड़ियों को जो है अपने साथ रखो, कल जैसे ही कल होगी, ठीक है, तो इन छड़ियों में से क्या होगी, एक छड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, 1 इंच बड़ी हो जाएगी। ध्यान रहे, जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बड़ी हो जाएगी। तभी फिर क्या होता है, जिस नौकर ने कीमती सामान चुराया होता है वह डर जाता है। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी छड़ी से 1 इंच का टुकड़ा काट लिया तो मैं बच जाऊँगा, क्योंकि छड़ी मेरी बड़ेगी तो सबकी छड़ी से बड़ी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, अपनी छड़ी का 1 इंच का टुकड़ा को काट लेता है। इसलिए उसने अब क्या उस इसलिए सोचता है कि मैं बच जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह होती है, फिर बीरबल जो है सारे नौकरों को अपने दरबार में बुलाते हैं और उनकी छड़ियों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। उसने फिर बीरबल देखते हैं कि छड़ी का जो है 1 इंच कम है और इसी तरह जो है एक चोर, उन 7 चोरों में से एक चोर पकड़ा जाता है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ एक मैम ने पढ़ा है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? तो सबको पता है किसने अपनी बुद्धिमानी से चोर का पता लगाया, बीरबल ने। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन, कौन की जगह हम लिख देंगे बीरबल, बाकी पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल थे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन थे? बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल थे। नेक्स्ट है हमारा, अमीर आदमी के घर कितने नौकर थे? अमीर आदमी के घर कितने नौकर थे? कितने की जगह लिखेंगे 7। अमीर पूरा आंसर लिखना है, अमीर आदमी के घर 7 नौकर थे। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, चोर कैसे पकड़ा गया? सबको पता है कि चोर जो है वो डर जाता है और जिसके वजह से उस वो अपनी एक छड़ी का 1 इंच काट लेता है और वह पकड़ा जाता है। तो सारे बच्चे इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे और ये इन क्वेश्चंस को अपने हिंदी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।